एकता कपूर की नई नागिन के नाम का हुआ खुलासा। सुंबुल तौकीर खान, प्रियंका चहर चौधरी, सबको पछाड़ दिया गया है। आखिर कौन बना है एकता कपूर की नई नागिन? पूरी डिटेल्स, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर। लेकर हाजिर है आपके लिए बड़ी अपडेट। आखिर कौन बना है एकता कपूर की नई नागिन? सुंबुल तौकीर खान का नाम सामने आ रहा था, प्रियंका चहर चौधरी का नाम सामने आ रहा था, पर अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका और सुंबुल दोनों को पीछे छोड़कर, दोनों को बीट करके कोई और है जो बन गई है एकता कपूर की नई नागिन? पूरी डिटेल्स आपको बताएं। उससे पहले, अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वेल दोस्तों, खबरें ये निकल कर सामने आ रही हैं कि प्रियंका चहर चौधरी और सुंबुल तौकीर खान एकता कपूर की नई नागिन नहीं होंगी, क्योंकि एकता कपूर अपनी पुरानी नागिन को ही बनाने जा रही हैं अपनी नई नागिन। अगर आप इस बात का मतलब नहीं समझे तो आपको बता दें कि नागिन के 7वें सीजन में भी तेजस्वी प्रकाश ही नागिन के तौर पर नजर आने वाली है। नया चेहरा इस सीजन में दिखाई नहीं देगा। पहले भी एक बार एकता कपूर ऐसा कर चुकी है, नागिन 1 और नागिन 2 दोनों में ही मौनी रॉय नजर आई थी, और अब तेजस्वी प्रकाश क्योंकि इतनी पॉपुलर है, नागिन 6 इतना पॉपुलर हुआ, ऐसे में खबरें हैं कि तेजस्वी की पॉपुलरिटी को भुनाते हुए एकता कपूर जो हैं नागिन 7 में भी तेजस्वी प्रकाश को ही लेने वाली हैं। और इसी वजह से तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में जो फोटोज़ डाली सोशल मीडिया पर, तो लोग भी नागिन 7 लिखकर, नई नागिन लिखकर उन फोटोज़ पर कमेंट करने लगे, जिसकी बात से ये जो वायरल खबरें हैं इन्हें और अफवाह को और ज़्यादा जान मिली और हवा मिलने लगी कि शायद प्रियंका चहर चौधरी और सुंबुल तौकीर खान नहीं बल्कि तेजस्वी प्रकाश ही होने वाली हैं एकता की नई नागिन। नई नागिन भी नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि नागिन के नए सीज़न के लिए प्रियंका चहर चौधरी और सुंबुल तौकीर खान दोनों को पछाड़ते हुए तेजस्वी ने अपनी जगह जो है वो मेनटेन रखी है और तेजस्वी प्रकाश ही बनने जा रही हैं एकता कपूर की नई नागिन। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।